नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1 11। मैं हूं आपके साथ शिवानी। पटना में एक बार फिर से जनाधिकार पार्टी ने मच्छर भगाओ अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने अपनी मंदिरी आवास से इसकी शुरुआत की। राजधानी पटना के जल जमाव वाले इलाके में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री पहुंचाई थी। लोगों को पानी से बाहर निकालने का भी काम किया था। उसी के तहत जल जमाव वाले इलाके से गंदगी की सफाई करने के बाद अब लोगों को संक्रमण बीमारियों से मुक्त कराने को लेकर अपने निजी स्तरीय व्यवस्था से मच्छर भगाओ अभियान चलाने का काम किया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने ये कहा कि आज जनाधिकार सेवा दल का गठन किया गया जो पूरे शहर में अपना सहयोग देने का काम करेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए वो सुनाते हैं। जनाधिकार सेवा दल का गठन किया गया और सेवा दल के द्वारा चार कॉर्नर में लगभग चार मशीन, लेकिन 12 मशीन हम सुपुर्द करेंगे 2 सप्ताह के अंदर पटना को, और वो मोहल्ले में हम सुपुर्द करेंगे, यहाँ नगर निगम को नहीं, क्योंकि नगर निगम कंप्लीट रूप से लूट निगम है, नर्क निगम है, और इस निगम को बंद कर देना चाहिए। और मैं सरकार से कहूँगा कि आपके पास जितनी मशीनरी है वो पप्पू यादव को दे दीजिए, हम 2 सप्ताह के अंदर पटना को नीट एंड क्लीन करेंगे, है तो आप दे दीजिए। और पूरी पदाधिकारी आप अपने पास रखिए, सिर्फ मशीनरी आप हमको दे दीजिए। पूरी पटना इस कचरा से और मच्छर से, दो चीजों से मुक्त करें। जो नासूर बना दिया है, सबसे बड़ा कचरा नेता ने सबसे पहले नासूर बनाया और फिर नेता के द्वारा पैदा किया गया कचरा नासूर बना रहा। इसलिए आज अभी जनाधिकार सेवा दल यहाँ से निकलेगी, हर दिन अलग अलग मोहल्ले में जाकर के अपना काज करेगी, बस इससे ज्यादा मैं आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से पटना में जल जमाव की स्थिति बनी रही है, वहीं हीरो बनकर उभरे पप्पू यादव लगातार आम लोगों की सेवा में दिखाई दिए हैं। उसी के तहत उन्होंने मच्छर भगाओ अभियान की भी शुरुआत की, जहां लोगों के अंदर सरकार को लेकर गुस्सा है, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में पप्पू यादव जो है वो अपना घर बना चुके हैं। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।